नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नारायण एग्रीकल्चर में। दोस्तों आज हम बात करेंगे जो मुर्गियों में लगने वाले दो प्रमुख रोग हैं, जानेंगे वो कौन कौन से हैं और उनके लक्षण क्या है। तो उससे पहले कहना चाहेंगे दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन की घंटी को भी दबाइए ताकि जब भी मुर्गी फार्म से रिलेटेड, पोल्ट्री फार्म से रिलेटेड वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अक्सर देखा गया है जो मुर्गियों में जीवाणु जनित रोग होते हैं, जीवाणु जनित उत्पन्न रोग होते हैं, उसमें 25-100% तक जो मृत्यु की दर है होने की संभावना बनी रहती है। और आर्थिक दृष्टिकोण से देखें दोस्तों तो मुर्गियों के रोगी हो जाने पर इसका इलाज यदि हम करवाते हैं तो हमें उतना लाभ या फायदा नहीं होता। कुछ बीमारियाँ दोस्तों ऐसी भी है जिसके बचाव के लिए हमें पहले से प्रयास करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। और इसीलिए दोस्तों जो मुर्गी पालक है उनको अपनी मुर्गी से होने वाले लक्षण और उसके रोकथाम, टीकाकरण तथा इलाज के जो संबंध है जानकारी, इलाज के संबंधित जो जानकारियां है उसको रखना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो दोस्तों जानेंगे जो घरेलू मुर्गी पालन में जो आम तौर पर मुर्गियों को बीमारियाँ होती है वो मुख्यतः कौन कौन ही। तो हमारा जो पहला है दोस्तों जो मुर्गियों को होने वाला रोग है वो है रानीखेत रोग। दोस्तों इसे जो लोकल भाषा इसमें झुमरी भी कहते हैं इसको। और यह रोग दोस्तों मुर्गियों की सबसे भयानक व जल्दी फैलने वाली बहुत ही संक्रामक बीमारी होती है। इसमें जो चूजे हैं वो सभी चूजे मर जाते हैं। इस रोग के लक्षण दोस्तों छींकना, जम्हाई लेना, सांस लेना और सांस लेने में कठिनाई भी होती है। और सांस लेते वक्त दोस्तों सीटी जैसी आवाज़ भी आती है, खांसी, बुखार, दोस्तों ऐसे कुछ रोग होते हैं। और देखें तो बाद में ना जो मुर्गी के टांग व पंख में लकवा हो जाता है। दूसरा है दोस्तों चेचक माता रोग। दोस्तों इसे हम लोकल भाषा में फाउल पाक्स भी कहते हैं। यह एक छूत प्रकार का रोग है, छूत रोग है तथा जो बड़ी मुर्गी एवं चूजे ये दोनों को होते हैं। रोग के कारण दोस्तों मृत्यु तो कम होती है लेकिन जो मुर्गियों का अंडा देने की संख्या है वो बहुत ही कम हो जाती है, जो अंडा देने उत्पादन है वो कम हो जाता है। और दोस्तों इस रोग के जो लक्षण है उसकी बात करें दोस्तों तो लक्षण कुछ इस प्रकार से है। इसमें जो त्वचा, आँख, नाक व मुँह में चेचक के दाने निकल आते हैं और शरीर के जो पंखहीन भाग होते हैं, पंख रहित भाग होते हैं जैसे कलगी, गर्दन, टांग, उस पर दोस्तों पपड़ी बन जाती है और आंखों पर सूजन भी आ जाता है। कई बार दोस्तों मुर्गियां बार बार छींकती है व तेज़ बुखार चढ़ता है। और ऐसे कुछ केसेस में देखा गया है कि जो मुर्गी हैं वो अपने अन्य साथी को, अपने जो साथी है या सहपाठी है उनको चोंच मार मार कर घायल भी कर देते हैं। तो ये था दोस्तों मुर्गियों में लगने वाले दो प्रमुख रोग। इस रोग से दोस्तों जो पोल्ट्री फार्म वाले हैं, मुर्गी पालक है, वो परिचित होंगे और उनको पता है कि इस रोग लगने के कारण जो पोल्ट्री फार्म वाले हैं उनको बहुत ही ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको ये जो लक्षण बताए गए हैं वो समझ आ चुके होंगे। और दोस्तों कहना चाहेंगे यदि आप वायरस लगने या बीमारी लगने के बाद मुर्गी का इलाज करवाते हैं तो आपको उतना बेनिफिट या फ़ायदा नहीं होगा जितना आप बीमारी लगने या वायरस लगने के पहले इनका टीकाकरण करवा लेते हैं। इससे दोस्तों आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होता है। तो आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करिए और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। और खेती बाड़ी, मुर्गी पालक, भैंस पालक से रिलेटेड वीडियो आपको मिलता रहेगा। मिलते हैं और किसी नए वीडियो पर नए जानकारी के साथ।